व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। आज तारीख है 25 मार्च, टाइम हो रहा है 10। मैं आज मेरा लास्ट दिन है जोधपुर में, बट इसके पहले मैं जा रहा हूँ बिश्नोई विलेज। उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा अजमेर की ओर। फिलहाल मैंने सारी बुकिंग्स तो नहीं की हैं, बस चेकआउट कर लिया यहाँ से। ट्रांसपोर्ट की बस लेने वाला हूँ, 5 घंटे लगेंगे अजमेर पहुँचने में। वो सब बात की बातें हैं, बाद में बताऊँगा। फिलहाल हम जा रहे हैं बिश्नोई विलेज। 10 बजे शुरू होगा, कुछ 3-4 घंटे का टूर है। मैंने कुछ इसके लिए पे किया है 1800 रुपये, 1800, क्योंकि मैं सिंगल हूँ। अगर आप साथ में हूँ, कभी आपके साथ और ग्रुप हो, तो आप 1200 रुपये के आसपास पे करते हैं। हिंदी में बोलते हैं ना, हाँ, तो 20 का मतलब तो 20, करेक्ट, और नोई मतलब 9, ओके, 29, ये रूल्स फॉलो करते हैं सर। अच्छा, तो उसमें सर ये ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण को मतलब ये अलग ही लॉबी है, ओके, अपने मतलब ये कास्ट मतलब अपने हिसाब से एक अलग ही है, बराबर, हाँ, जैसे अपने हिंदू धर्म में जलाते हैं, हाँ हाँ, तो इनके सर जी गाड़ते हैं, ओके, अच्छा, ठीक है ना। अपने ये घर में दारू वगैरह ये नशे पता नहीं करते, अच्छा, ये प्रकृति को ज्यादा विश्वास देते हैं, जैसे अच्छा, ये पेड़ पौधा है, हाँ, हाँ, गाय भैंस है, फुलाना देखता, इसको ज्यादा विश्वास करते हैं, ओके, ठीक है ना। जैसे हाँ, अपन सर जी अपन जैसे भगवान को मानते हैं, हाँ, ये सर जाम्बो जी को मानते हैं। जाम्बो जी मतलब जाम्बो जी इनके सर इन्हीं के फैमिली में से एक होते थे, ओके, जो प्रमुख बोलेंगे मतलब मुखिया 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 हाँ, 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 मुखिया इन्हीं की फैमिली में होते थे। वो जहाँ चले जाते थे उन्हीं को, वो जो कहते थे उन्हीं को मानते। अच्छा, अब वो उन्हीं का रूल्स फॉलो करते। अच्छा, जाम्बो जी एक इंसान थे, हाँ, हाँ, जैसे किसी कास्ट में से निकले हुए थे, करेक्ट, ये कोई कास्ट अलग ही एक कास्ट है, हाँ। भाई ये नया हाई कोर्ट है जोधपुर का। ये हनुमान जी ये हनुमान जी को जरूर एक थोड़ा, हाँ, पूछते हैं। अच्छा, मंगलवार को क्या करते हैं? रोटी, हाँ, रोटी चढ़ाते हैं। अच्छा, रोट चढ़ाते हैं। देख के भागते नहीं जाएगा ना? अभी नहीं भागेगा, मैं भागे ना इसका अच्छे सिस्टम ही नहीं रखूंगा, आप टेंशन मत। अभी आप इसका फोटो लो, यही से बढ़िया आएगा, ठीक है, हाँ। एक तो राइट साइड में बैठा है, तीन देखो दिख रहे हैं, हाँ, ये वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ मैं, हाँ? अच्छा, छाव में बैठे ना, हाँ, बैठ रहे हैं, ये ब्लैक बग है, करेक्ट, ये खड़े हुए, हाँ, दिख रहे, करेक्ट, हाँ, दिख गया सामने, हाँ, अब इस यहाँ से फोटो तगड़ी आएगी। तंदूर, अच्छा, तंदूर, ये यहाँ पे मिट्टी पकती है, ये मिट्टी बर्तन पकती है, सो गाइस, हम लोग पहुँच गए काकाणी गांव, जो कि बिश्नोई की एक 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 गांव है, बिश्नोई में आता है। और यहाँ पे हम अभी जो इनके आप देख रहे हो बर्तन बनाने के, ये कैसे बर्तन बनते हैं, यहाँ पे कपड़े का ही बोल रहे थे हम, ये ब्लॉक प्रिंटेड, हाँ, एक ब्लॉक प्रिंटेड भी हम देखेंगे कैसे बनते हैं। जैसे इस काम को ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं, ओके, और हमारी कम्युनिटी है छिपा, अच्छा, CHHIPA, ओके, छिपा मतलब छापने वाले, जो छपाई करते हैं, हाँ, हाँ, उनको छिपा बोलते हैं। हम लोग नेचुरल डाई यूज करते हैं, वेजिटेबल डाई, केमिकल्स यूज नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये जो पीस है फिनिश होकर ऐसा बन जाएगा, इसका ये कंप्लीट प्रोडक्ट है, हैंडलूम कॉटन है प्योर, इसको 5 बार प्रिंट करते हैं तो एक पीस फिनिश होता है, मतलब कि 5 प्रोसेस में एक पीस बनेगा, ओके,
तो सबसे पहले हम इस पे हल्दी प्रिंट करेंगे, ठीक है, टर्मरिक, ओके, एंड हल्दी चेंज होती है रेड कलर में। अच्छा, कैसे? ये कैसे होगा? जब हम इस पे नींबू अप्लाई करेंगे। अच्छा, हल्दी पे नींबू, ओके ओके, हाँ, बिकॉज लेमन सिट्रिक एसिड होता है, करेक्ट, हल्दी को रेड करेगा तो हल्दी रेड में चेंज हो जाएगी, लिटमस केमिस्ट्री, करेक्ट, हाँ। फिर थर्ड प्रोसेस में ये सब है, इसमें है ये मिट्टी है, मड, गम, सोप, क्ले एंड कुकिंग ऑयल, ओके, सब इसके अंदर मिक्स है, मिक्स है, okay. इसको बोलते हैं दाबू, दाबू, DABU, दाबू, जो ब्लॉक प्रिंटिंग की ओल्डेस्ट टेक्निक होती है। अच्छा, रेड के ऊपर प्रिंट कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, हाँ, हाँ. रेड के ऊपर फिर इसको ड्राई करेंगे, हाँ. फिर पूरा पीस ब्लू, ये जो इंडिगो डाई है, हाँ. उसमें डुबो देंगे पूरा पीस ब्लू कलर के अंदर, ये पूरे कपड़े, पूरे कपड़े, ओके. अब इसका रीजन के मड क्यों लगाते हैं रेड के ऊपर, जहाँ ये मड होगा वहाँ पे ब्लू कलर नहीं चढ़ेगा, ओके, बिकॉज मड इज प्रोटेक्टिंग द रेड कलर फ्रॉम ब्लू, ब्लू, ओके, दैट्स व्हाई पिन मड टॉप ऑन द रेड कलर, ओके, बिकता सिंपल है, टाइम टेक्निक का फिलहाल। तो इसको पूरा प्रोसेस अगर मैं आई मीन स्टार्टिंग से लेके उसको मिक्सिंग से लेके ये प्रोसेस करने में, डुबोने में और सुखाने में 5 days में, 5 days लगता है, हाँ, ओके, ये इस टाइप के ब्लॉक होते हैं, कैमल ब्लॉक है, ओके, एलिफेंट ब्लॉक है, ब्लॉक्स कारपेंटर्स बनाते हैं, ओके, वुडन ब्लॉक्स हैं हमारे पास, तकरीबन 20-25,000 ब्लॉक्स इस टाइप के, तो ये कब से कर रहे हैं फिलहाल? ये मेरा एक्सपीरियंस 20 years का है, 20 years का है, ओके, मेरी फैमिली काम करी जनरेशन से तकरीबन 500 साल। सो हमने अभी देखा है ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में कि कैसे बनता है, एंड हमारे साथ नथु खान जी थे जिन्होंने थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट किया इसके बारे में कि ये कैसे बनता है, कितना दिन लगता है एंड क्या प्रोसेस होते हैं। बेस्ट पार्ट है कि इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं है, केमिकल यूज नहीं है, एक्चुअली 95% नेचुरल कलर होता है, 5% होता है शाइनिंग के लिए, मैक्सिमम हम लोग नेचुरल कलर से, एक टाइप से मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक ही होगा, ऑर्गेनिक, अप्रोक्सीमेटली 100% नहीं बोलूंगा, 95% ये ऑर्गेनिक है जो कि बहुत ही अच्छा है यूज के लिए भी, आपकी सेहत, और एक्चुअली इफेक्ट नहीं होता शरीर के ऊपर, करेक्ट, हाँ, कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं, करेक्ट, करेक्ट। सर चिकनी मिट्टी है, ओके, ये मिट्टी यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर दूर गांव है मोकरसर, हाँ, जो पड़ता है बाड़मेर में, वहाँ से लेकर आते हैं, तालाब की मिट्टी है, और इस मिट्टी के अंदर हम मिक्स करते हैं चूल्हे की राख और लकड़ी का बुरादा सॉडस्ट, ओके, दो चीज मिक्स करते हैं मजबूती के लिए। अच्छा, जो ये काम है हमारा पुस्तानी काम है, जो हमारी फैमिली है करीबन 300 साल से करती आ रही है, ओके, और जो मैं काम ये कर रहा हूँ ये 12 साल से कर रहा हूँ। है, ये अपने वैल्यू व्हील है, इसके नीचे कोई बैरिंग नहीं, कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं है सर, ओके, ये ओनली एक लकड़ी को पहुंचाता है इसमें, और ये वुड है, कैर सांगरी करके ट्री है कैर का, हाँ हाँ, उस लकड़ी का ये गोसा है। आप यहाँ से ऑयल डाल सकते हो, यहाँ से भी ऑयल डाल सकते हो, ओके, अभी डालते हैं इसमें पानी, अब उसको उल्टा करेंगे बाहर नहीं आए, ये हो गया मैजिक, गया कहाँ पे बस मैजिक, अब उसको ऐसे करेंगे तब बाहर आया, ओहो, ये हो गया अलादीन मैजिक लैंप ऑफ इंडिया, आबरा का डाबरा, So, अभी रजाक भाई थे जिन्होंने हमें पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया इसके बारे में,
बर्तन बनाने के कला के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली कितने सालों से इसका काम कर रही है, 300-400 साल से उनके ट्रेडिशन में है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। आप कभी भी आ रहे हो तो इस जगह पे आओ, इनसे मिलो। हालांकि मैंने ट्राई करने की बात की बट वो प्रॉब्लम ये था कि कोविड की वजह से वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाया। मे बी आप आओ तो तब तक ये सब चीज़ें निकल जाए रेस्ट्रिक्शन और आप ट्राई कर सको।